तनक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। सुप्रभात पतिदेव। अरे सुप्रभात की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अरे भाई, जिसकी पत्नी इतनी सुंदर हो, इतनी सुशील हो, सुनीली हो, सुलझीवी हो, सुमधुर हो, जिसके जीवन में इतने सु ऑलरेडी हो, उसे सुप्रभात कहने की आवश्यकता क्या है? उसकी सारी प्रभातें सुप्रभात ही होती है। वाह वाह, क्या बात है पतिदेव। वैसे क्या बात है, आज लेखक महोदय बड़ा मस्का मारने के मूड में है। नहीं नहीं, मस्का मस्का मारने की रिस्क मैं नहीं ले सकता। क्यों? अरे क्यों क्या अंजलि, मस्का मक्खन कितनी कैलोरीज, और तुम ठहरी हेल्थ कॉन्शियस, तुम्हें मक्खन मक्खन कैसे मारा जा सकता है भाई? तुम्हें मारना ही होगा तो फिर दलिया वलिया मारेंगे कुछ? अच्छा, तो आप मुझे दलिया मारेंगे? मजाक कर रहा हूँ, मजाक समझो। वैसे अच्छी बात, सुबह सुबह पत्नी के साथ खट्टी मीठी नोकझोंक होना तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है और पूरा दिन तनाव मुक्त और खुशगवार गुजरता है। सही बात है भाई, हमारे दिन की शुरुआत तो अच्छी हो गई और पूरा दिन तनाव मुक्त और खुशगवार गुजरेगा, भगवान करे रोज गुजरे। मुझे लगता है गोकुलधाम सोसाइटी में एक बंदा ऐसा है जिसका दिन आज अच्छा गुजरने वाला नहीं है, तनाव होगा। किसका? अरे भाई, हमारे एक मेव सेक्रेटरी शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े। शुभ शुभ बोलिए तारक, भिड़े भाई का दिन क्यों तनावपूर्ण गुजरेगा? उसका दिन तनावपूर्ण गुजरेगा, कल SSC का रिजल्ट जो आने वाला है अंजलि। ये देखो, खबर देखी नहीं तुम? ये, अरे हाँ, ये तो मैंने न्यूज में भी खबर देखी कि कल 10वीं कक्षा का रिजल्ट है। बस तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि भिड़े का दिन तनावपूर्ण गुजरेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है अंजलि। आज तक जब जब 10th का रिजल्ट आता है, रिजल्ट के एक दिन पहले अपने सारे स्टूडेंट्स का टेंशन भिड़े अपने सर पे ले लेता है और बड़ा आवाज़ से घूमता है और किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। आज भी वही होगा, देख लेना तुम। आप जाइए, मैं इलेक्ट्रिशियन को अपने हिसाब से बुला लूंगा, बिल मैं आपको दे दूंगा, आप जाइए, टेंशन मत लीजिए आप। क्या हुआ अंकल, कल SSC का रिजल्ट है। आपने हेलमेट नहीं पहनी। SSC का रिजल्ट का हेलमेट से क्या लेना देना घोड़े? नहीं नहीं अंकल, इसकी बात अलग है, मेरी बात अलग है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी है, क्योंकि रोड पे जब बाइक चलाते हो तब ऐसा नियम है कि हेलमेट तो पहनना जरूरी है। ए घोड़े, ए मारा नियम को शिकवू, वो हेलमेट मैंने अभी अब्दुल शॉप के पास निकाला था और मैं जाऊँ, मुझे बहुत टेंशन है। कल SSC का रिजल्ट है ना, हमारे जमाने में हम भी SSC में हुआ करते थे, पर अब भिड़े अंकल के दूसरे स्टूडेंट्स है तो इसी का टेंशन हो रहा होगा भिड़े अंकल को। हाँ, उसी का टेंशन है, जाऊं मैं अभी। भिड़े अंकल, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट? नहीं नहीं, रुको रुको रुको, भिड़े अंकल को कोई भी ऑल द बेस्ट नहीं कहेगा। क्यों टप्पू, हम लोग पास हो गए तो भिड़े अंकल के साथ ऐसा कर लेगा? हाँ नहीं गोगी, अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि भिड़े अंकल को बेस्ट विशेष की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भिड़े अंकल के स्टूडेंट्स तो हमेशा अच्छे मार्क्स लाते हैं ना। जा नहीं सकते, कल SSC का रिजल्ट है, ये खुशी में समोसा और रबड़ी की पार्टी तो बनती है कि नहीं? ये तो टेंशन के मारे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है घोड़े, और तुम्हें पार्टी चाहिए? पार्टी वार्टी कुछ नहीं, कल रिजल्ट लगने के बाद पार्टी होगी, समझे? अरे इतना टेंशन किस बात का भीड़ अंकल? मुझे बाकी किसी का टेंशन नहीं है टप्पू, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट है ना, वो गोटिया तुम लोग का जूनियर, उसी का टेंशन है, वो भी इस साल 10वीं में बैठा है। उतरे भीड़ अंकल, फिर तो आपको ऑल द बेस्ट ना, सीरियसली। हाँ, वो अपने क्लास में ही नहीं पूरे स्कूल में कच्चा नींबू है, उसका पास होना तो बहुत मुश्किल है, भीड़े अंकल का टेंशन लेना जायज है। ए शुभ बोल गोड़िया, एक तो वैसे ही गोटा के रिजल्ट का टेंशन है, उससे ज्यादा टेंशन मुझे उसकी माँ मंगू ताई का है।
भगवान ना करे अगर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो गई ना तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। अरे भिड़न गलत टेंशन क्यों ले रहे हो, आपने गोटिया को पढ़ाया ना तो गोटिया पास हो ही जाएगा। ठीक है ठीक है, अभी मुझे जाने दो। हाँ चलो। गोटिया का रिजल्ट आने वाला ये जानकर तो मुझे भी टेंशन हो गया। हाँ गोली, मुझे भी टेंशन हो रहा है। जब तक गोटिया का रिजल्ट नहीं आएगा ना, भिड़न अंकल चैन की सांस नहीं लेंगे। गोटिया गोटिया गोटिया, कसं होणार आहे तुझं? कल 10वी का रिजल्ट है और केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स इंग्लिश सब में गड़बड़ है तुम्हारी। काय हो, काय होता है? कितना पानी पी रहे हैं आप? और कब से अकेले क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? काय झाले नक्की? माधवी कल 10वी का रिजल्ट है। वो तो हर साल होता है, उसमें क्या है टेंशन लेने जैसा? मेरा एक स्टूडेंट है ना गोटिया, उसने भी 10वीं की एग्जाम दी है, उसी का टेंशन है मुझे। गोटिया मतलब वो गौतम जो होमवर्क ठीक से करता नहीं था, जिसका ट्यूशन के वक्त हमेशा मोबाइल में ही ध्यान रहता था, और जिसको आप हमेशा डांटते रहते थे वो? अच्छा, मैंने यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दिया है तो वो कॉपी कर लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। हाँ ए गोटिया। हाँ सर। क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारा ध्यान किधर है? वो सर मोबाइल में नया जोक आया था तो वो पढ़ रहा है। अरे ये गधड़िया, ये पढ़, ये आने वाला एग्जाम में मोबाइल का जोक नहीं। सॉरी सर। हाँ वही, उसी के रिजल्ट का टेंशन हो रहा है मुझे। तो उसके रिजल्ट में इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? जरूरत है माधवी, वीडियो ट्यूशन क्लासेस के इतिहास में सबसे वीक स्टूडेंट है ये गोटिया। मुझे तो टेंशन हो रहा है माधवी के कहीं वो फेल ना हो जाए। क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप? वो फेल क्यों होगा, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तुम्हें कैसे पता, उसके पेपर तुमने चेक किए हैं? मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? सॉरी माधवी सॉरी, लेकिन क्या है ना, टेंशन के बारे में मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया है। देखिए आप अपना दिमाग शांत रखिए, आपका आज तक एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है, सबके रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं हमेशा। माधवी हाथ की सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, और ये गोटा के केस में तो मुझे डर भी लग रहा है। डर? डर किस बात का? उसकी आई का, मंगूताई मच्छी वाली। तो इसमें उनसे क्या डरने का? अरे तुम्हें पता नहीं माधवी, मंगूताई मच्छी वाली बहुत डेंजरस है, उसके एरिया की वो दादी है। दादी मतलब दादा। आप क्यों डर रहे हो? देखिए सीधी सी बात है, आपने आपका पढ़ाने का काम कर दिया है, अभी आपका काम खत्म। नहीं नहीं माधवी, ऐसे काम खत्म नहीं होता है। जब तक विद्यार्थी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तब तक शिक्षक का काम खत्म नहीं होता है, सत्य है। अरे ये ओ, खड़े होके निकालिए ना। पर आला आला। ए, देखो 100 साल जिएगा ये गोटिया, उसी का फोन है। हाँ बोलो भाई गोटिया। हेलो बेटे सर, कैसे हैं आप? टेंशन में। अरे वाह। हाँ? वैसे कल का क्या लगता है आपको, मैं पास होऊंगा या फेल? पेपर तुमने लिखा तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ना। पेपर लिखने के बाद मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है, आप बताइए ना सर, पास या फेल? अरे मैं कोई ज्योतिष थोड़ी हूँ गोटिया के मुझे पता होगा। अरे सर अगर आप ज्योतिष होते तो मैं आपके पास ट्यूशन लेने थोड़ी ना आता। देखो देखो तुम्हारी इसी एटीट्यूड की वजह से ना गोटिया, मुझे हमेशा तुम्हारे रिजल्ट का टेंशन होता है। डोंट वरी सर, आप बेकार में मेरा टेंशन ले रहे हैं। मैं तो टेंशन लेता ही नहीं हूँ, मुझे तो बस आई का टेंशन है। मुझे भी। मेरी आई मेरे 10th के रिजल्ट को लेकर मुझसे बहुत उम्मीद लगाए बैठी है, और उनकी वजह से मुझे भी टेंशन हो रही है। हाँ तो फिर अपनी माँ को बोलो बेटा कि टेंशन ना ले, भगवान से प्रार्थना करे, तुमने पेपर अच्छे से लिखे हैं ना। अरे सर वो सब छोड़िए, मेरी आई आपसे मिलना चाहती है। क्यों? इसलिए तो मैंने आपको फोन किया है, मेरी आई आपसे अभी मिलना चाहती है। वो मैं आपको एड्रेस SMS कर देता हूँ, और आई को भी बोल रहा हूँ कि आप अभी के अभी आ रहे हैं। बाय सर। ठीक है ओके। काय झालं? ये गोटिया की आई मंगूताई मुझसे मिलना चाहती है। हाँ तो जाइए, मिल के आइए ना। गोटिया के रिजल्ट का आपको इतना टेंशन है तो बेचारी उसके आई को कितना होगा। अब जाएंगे उनसे मिलेंगे तो उनकी जरा हिम्मत बढ़ेगी ना। लेकिन उनको मिलने के लिए मुझे हिम्मत कौन देगा? काय? नहीं काय नहीं, मैं आलो जाऊं ले तो। हाँ अकेले बड़बड़ा रहे सुबह से पत्थर। टेंशन मत लीजिए। मंगूताई कहाँ है? वो रही मंगूताई।
अच्छी तरह से भर के इनको मैं मच्छी, नहीं तो फेंक के मारूंगी। ए टेपू साइड बदला। ए बकिया क्या करते है काम। अरे उत्तम, मंगू ताई को बुलाओ, कोई मिलने आया। ताई तुम्हाला तिकडे भेटायला कोण आले? चल देखते हैं। हो ना, देख आजा। हां अरे नमस्कार नमस्कार, क्या हुआ, आइए। क्या हुआ, आते आते जाल में फंस गए। सॉरी सॉरी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठिए। देखा कौन आए, देखा क्या, अरे गोटिया के मास्टर है ये, आत्माराम मास्टर, बहुत बड़े शिक्षक है, बहुत बड़े। चलो पैर छो। अरे हाणु हाणु, मेरे नहीं मास्टर के। अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दो, कैसे रहने दो, ऐसे नहीं चलेगा, छुओ। हाँ हाँ ओके, दूर रहा, सुकीरा 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 सुकीरा। आओ सर। हेलो सर। हेलो, आ गए आप। हाँ सर, एक डिफिकल्टी है। हाँ पूछो ना सर। ये गेम का लेवल पार नहीं हो रहा, क्या आप कर देंगे? अरे गोटिया, मुझे बात करनी है उनसे। जा बेटा तू वहां जाके खेल, जा। हो आए वो खेलने में उसका ध्यान रहता है। बैठो बैठो मास्टर बैठो। आप क्या लोगे, बांगड़ा सुरमई पापलेट एकदम फ्रेश है ना? देखो ऐसे हो जाता है मेरा। नहीं नहीं, मुझे पूछना था क्या लोगे आप मास्टर, चाय ठंडा या कोकम शरबत या सोलकड़ी या पिज्जा बर्गर, आप जो बोलोगे ना मास्टर हाजिर कर देंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे, कुछ तो लेना ही पड़ेगा, बोलो। पानी 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 चलेगा, पानी। ये तय ये तय पानी ये तय, ये ऐसे पानी देते हैं। और ये पानी पिलाएगा तू सर को? अरे बहुत बड़े मास्टर है वो, गलती होगी। उनके लिए मिनरल वाटर लाना, बॉटल में रहता है वो। जा भाग के जा, दौड़ के आ। बोलिए। वो गोटिया बता रहा था कि आपने मुझे बुलाया है। मैंने? शाबाश, गोटिया का 12वीं का रिजल्ट है ना, तो मेरा गोटिया अच्छे नंबर से पास हो जाएगा ना। वाह, अभी मंगू ताई को कैसे बोलूं कि गोटे ने पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं की है, अच्छे नंबर तो छोड़ो उसका पास होना भी मुश्किल है। ए मास्टर, बोल। मेरा गोटिया अच्छे नंबर लाएगा ना? अभी उसने अपने हिसाब से मेहनत तो की है मंगू ताई जी, जो भी होगा अच्छा ही होगा, आप उसके रिजल्ट का टेंशन मत लेना। टेंशन मैं? मैं काय को लेगी टेंशन, काय को लेगी? नहीं मतलब गोटिया थोड़ा शरारती टाइप का है ना, तो उसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद में रहता है, इसलिए रिजल्ट का टेंशन तो होता ही है ना। उसको पढ़ाया किसने? किसने पढ़ाया उसको? मैंने पढ़ाया, पर वर की कोई बात ही नहीं है। तूने पढ़ाया है ना, तो टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं। मैं क्यों टेंशन लूंगी, तूने पढ़ाया है, तू ले टेंशन। नहीं, मैं तो टेंशन ले ही रहा हूँ, मेरा मतलब ये था कि ओ मतलब मतलब सब गया मच्छी की टोकरी में। देख मास्टर, मेरे पास 50 टेम्पो है, 100 नावे है, ये सब किस काम की? अभी कुछ ना कुछ काम के तो होंगे ना, आपने सोच समझ के ही लिए होंगे ना इतने। अरे मास्टर, मेरे टेम्पो, मेरी नाव, ये देख, ये मेरा धंधा, ये मेरे गहने, ये सब किस काम के? ये मेरा गोटिया, कुछ पढ़ी नहीं पाया तो ये सब किस काम का है बताओ? अच्छा ऐसे। ये जो मेरा गोटिया है ना, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बड़ा लाडला है मेरा। तुम्हें पता है मास्टर, हमारे 7 पुश्तों में, पिछले 7 पुश्तों में हमारे फैमिली में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है ही नहीं। इसकी पढ़ाई ना मेरा सपना है मास्टर। मैंने उसको ना एकदम बेस्ट में से बेस्ट जो स्कूल था ना उसमें डाला, तो वहां डाल के भी उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, इसीलिए तो मैंने उसको तेरे पास भेजा, क्योंकि मेरे को सब लोगों ने बोला
मंगूताई, ये जो आत्माराम मास्टर है ना, एकदम बेस्ट है, एक नंबर। और मुझे ये भी बोला कि तेरे पास जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं वो कभी फेल ही नहीं होते। देख मास्टर, मैंने आंख बंद करके तेरे पे विश्वास किया है, भरोसा किया है। मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि कल मेरे गोटिया के अच्छे से अच्छे नंबर आने ही चाहिए। मंगूताई, अगर गोटिया को अच्छे नंबर नहीं आए तो? क्या बोला? हाँ? क्या बोला तू? क्या बोला? फिर से तूने ऐसे गलत बात की ना, तो तेरा ये भेजा निकाल के हाथ में दे दूंगी, समझा? क्या है ना मंगूताई जी, सबको अपनी मेहनत के हिसाब से ही नंबर आते हैं। अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो इसमें हिम्मत हारने वाली कोई बात है ही नहीं ना। और एक परीक्षा में नंबर कमाना मतलब दुनिया का अंत थोड़ी होता है। दुनिया का अंत हो भी सकता है मास्टर, अगर मेरे गोटिया के नंबर कम आए तो ये पूरी दुनिया देखेगी ये जो मंगूताई मच्छी वाली है उसका गुस्सा कैसा होता है। जब मंगूताई को गुस्सा आता है ना, तो समुंदर भी अपनी करवट बदल लेता है, लहरें भी डरकर उल्टे पांव वापस चली जाती है, और मछलियां तो अपने आप जाल में कूद जाती है। और इंसानों के साथ तो वो होता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। ऐसा सोचने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि मेरा गोटिया तुम्हारे पास पढ़ा है और तुम्हारा कोई भी विद्यार्थी कभी फेल नहीं होता, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो कल रिजल्ट लगने के बाद मैं टेम्पो लेकर तुम्हारे घर आऊंगी। क्यों क्यों? यूं मतलब मेरा गोटिया दावी पास हो जाएगा तो मिठाई भर भर के तो टेम्पो लाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए नहीं मास्टर, तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ पूरी सोसाइटी के लिए मिठाई लाऊंगी। तब तक तुम्हें क्या करना है? बोला बोला, क्या करूं? मेरे गोटिया के अच्छे नंबर आए इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। अच्छा, ये उम्मी? अरे नहीं नहीं मास्टर, रुकिए रुकिए। अरे आपने कुछ नाश्ता, ठंडा कॉफी कुछ लिया ही नहीं? नहीं नहीं, कहीं नको कहीं नको। हाँ, थैंक यू। हाँ, ये तो बाद में फिर कभी आराम से। हाँ हाँ, ये तो मिलके आए गोटे के यहीं से? बहुत टेंशन में होगी ना बिचारी। कौन, मंगूताई? छे, बिल्कुल नहीं, वो तो मस्त आराम से बैठी थी। उसने मुझे बोला कि मैं क्यों टेंशन लूं, तुम टेंशन ले लो। मतलब ये कि मुझे भी डबल टेंशन हो गया है। क्यों क्या माधवी, गोटिया के रिजल्ट को लेकर मंगूताई बहुत भावुक है। हाँ तो साहजिक है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के रिजल्ट को लेकर भावुक तो होंगे ही ना। अरे तुम समझ ही नहीं रही हो। मैं क्या नहीं समझ रही हूँ अभी इसमें? अरे कोई भी माँ बाप का भावुक होना और मंगूताई का भावुक होना में बहुत फर्क है। अगर गोटिया के रिजल्ट में कुछ भी 19-20 हो गया ना, पता नहीं मंगूताई मेरा क्या हाल करेगी। तुम मंगूताई से मिली नहीं हो, तुम जानती नहीं हो उनको। देखिए मैं मंगूताई को तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आज तक आपका एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है और आपका ये रिकॉर्ड है ना? वही माधवी, वही रिकॉर्ड अब टूटने की कगार पे है। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। क्यों खामखा टेंशन ले रहे हैं आप? टेंशन मत लीजिए। अरे ताई, किसी को कुछ नहीं देने का, ये बेवकूफ बना रहा है और ये हिसाब भी झूठा है। झूठ क्या ताई? आपके सामने आपके गोटिया ने जो जो जवाब दिए वो सारे मुद्दे नजर रखते हुए मैंने हिसाब किया, इसमें झूठ क्या? हाँ? अरे पर ताई, अपना ही सिक्का खोटा है, किसी से क्या हिसाब मांगना। रे जी,
गोटिया गोटिया मम्मी तुझे बुला रही। गोटिया मैंने तुझे पढ़ने के लिए मास्टर के पास भेजा था तो तू गुठली मार के खेलने के लिए जाता था। हर दम हमेशा तू अपने मोबाइल में ही रहता था। मास्टर तुझे पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे, देते थे कि नहीं? तो तूने होमवर्क कभी नहीं किया? तेरे को मास्टर ने बोला था ना, ये 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 जो भी तेरे विषय है उसमें तू कमजोर है, उस पर ज्यादा ध्यान दे, बोला था ना? तूने वो ध्यान भी नहीं दिया। अरे ऐसा क्यों किया रे गोटिया तूने, क्यों किया ऐसा? कौन सी कमी छोड़ी थी मैंने बोल? ताई आपने अपने बेटे को हर चीज इतनी आसानी से दे दी कि उसे किसी भी चीज की कीमत समझ नहीं आई। अपनी पढ़ाई की भी नहीं। सही बात है। और मंगू ताई ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं, देश के कई सारे माँ बापों की ये समस्या है। वो बच्चों को ऐसे कुछ भी दे देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। हाँ मंगूता, ये समस्या सिर्फ गोटिया की नहीं है, देश के लाखों करोड़ों बच्चों की है। उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है तो उन्हें एहसास नहीं होता कि माँ बाप ने कितने संघर्षों से उन्हें ये सब चीजें मुहैया कराई है। और रही सही कसर इस मोबाइल फोन ने पूरी कर दी है। अरे बच्चों की एकाग्रता रहेगी कैसे, ध्यान तो उसमें रहता है। और मैं गोटिया तुमसे ही नहीं सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ भाई, इस मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते हो रहो, आपकी पढ़ाई के लिए आपके भविष्य के लिए जरूरी है। और मंगूताई इस समस्या का सामना माँ बाप और शिक्षक दोनों को मिलकर करना होगा, एक दूसरे को दोष देके कोई फायदा नहीं होगा। सही बात है। और गोटिया बेटा इस मामले में विद्यार्थियों की खुद की भी जिम्मेदारी होती है। माना कि तुम बच्चे हो लेकिन अपने माँ बाप के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति, अपने देश के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। तुम्हें उन जिम्मेदारियों को समझना होगा और उसका पालन करना ही पड़ेगा। जी आई एम सॉरी सर, मैंने गलती की है। मैं मानता हूं कि पढ़ाई के वक्त मेरा ध्यान मोबाइल और बाकी चीजों में था। आपने मुझे लाख टोका, पनिशमेंट भी दी लेकिन मैंने पढ़ाई को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। और तो और जब मेरा रिजल्ट आया फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है सर, आई एम सॉरी सर। बस गोटिया बस, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। सॉरी आई, मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। लेकिन आपका सपना अभी तक टूटा नहीं है, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। मैं एक परीक्षा में फेल हुआ तो क्या हो गया, मैं अगली परीक्षा में बहुत मेहनत करूंगा और अच्छे नंबर लेके आऊंगा। तब आप गर्व से कह पाएंगे कि ये मंगूताई मच्छी वाले का बेटा गोटिया है।
वेरी गुड कॉन्फिडेंस, ऐसे ही करना। और पुत्र सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाना तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ भूला नहीं कहते, छोटी भूला कहते हैं। वाह 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 गुटिया, क्या बात है बेटा, क्या बात है। आज पहली बार मुझे ये कहने का मन हो रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। और मंगुताई जी, मैं अपनी ओर से और एक बात कहना चाहता हूँ। गोटिया की दसवीं की रिपीट एग्जाम के लिए उसे मैं ही पढ़ाऊंगा और मैं कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा। मान गए तनु यार, तू तो दिल खुश कर देता। आत्माराम मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, से बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा ये गोटिया फेल हो गया ना तो मेरा दिमाग ही हट गया, एकदम पागल हो गई थी मैं। डॉक्टर साहब, पत्रकार जी, बहनों, कांदा बोए वहीनी, चाचा जी और मुनीम जी, आप सब मुझे माफ कर दो। मैंने आप सब लोगों को बहुत भला बुरा कहा है, मुझे सच में खरच मुझे माफ कर दो। मंगुताई जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं। और हाँ, ये मुनीम नहीं है, ये हमारे पड़ोसी है जेठालाल चंपकलाल गड़ा, बहुत बड़े व्यापारी है। अय्या, मंगुताई, अपने बच्चों के प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं होता। और आपने जो भी किया वो बच्चे के प्यार में भावुक होकर किया। बिल्कुल सही कहा माधवी, ये माधवी है मेरी पत्नी, कांदा पोहा नहीं। और हमें आपसे कोई गिला नहीं। लेकिन हाँ बहन जी, एक शिकायत जरूर है। देखिए, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करें, लेकिन अपने बच्चों को हर चीज का मूल्य समझाना भी माँ बाप का ही फर्ज है। आपको अपने बेटे को पढ़ाई और बाकी सब चीजों का मूल्य समझाना होगा। सही बात है। तब जाके ये टीवी, गेम और मोबाइल से बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारी समझेगा। मैं आपकी बात बराबर समझ गई हूँ चाचा जी। इसके बाद मेरा गोटिया किसी को भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगा। ये इस मंगुताई मच्छी वाली का वादा है। ये हुई ना कुछ बात। मेरा बेटा धवल, आपका स्टूडेंट धवल मेरिट में पास हुआ है। सर 98% से पास हुआ हूँ। अरे वाह, क्या बात है। अरे कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अरे भाई रुक क्यों गए, खुशी का मौका है, बजाओ। बंद कर। अरे रहने तो तात्या, भले इस साल गोटिया फेल हुआ है और अगले साल देखना पहले नंबर से पास होगा, है ना? हाय, 100%। है ना बिडे सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले साल की खुशी अभी मना लेते हैं। अरे वाजव, चलो नाचो।
अरे वाह टपुड़ा, बहुत मस्त डांस कर रहा है तू। आज शाम को क्या कोई डांस पार्टी है? नहीं नहीं दादाजी, मैं तो ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था, पता नहीं कहीं काम आ जाए। हाँ ये टपुड़ा मुझे भी सिखाना, अपनी सोसाइटी में भी अवर नवर प्रोग्राम होते रहते ना, तो मुझे काम आएगा। हाँ ठीक है दादाजी, आइए। हाँ मैं जैसा करता हूँ वैसा आप भी कीजिए। हाँ ठीक है दादाजी, ऐसे करके ना डांस करने में और भी मजा आएगा। देखिए ऐसे अच्छा दादाजी, मैं दो मिनट पानी पी के आता हूँ। हाँ बाबूजी, क्या हुआ, क्या हो रहा है आपको? पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाऊं? क्या क्या हो क्या डब्बू? एक काम कर, जल्दी हाथी अंकल को बुला, जा जल्दी। आप बैठिए बाबूजी, आप बैठिए। क्या हो रहा है आपको? मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने क्या किया? अरे मैं डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, तूने उसमें खलल पहुंचाई। डांस प्रैक्टिस? हाँ पापा, मैं दादाजी को डांस के कुछ स्टेप सिखा रहा था, तो वो उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। देखे चलिए पापा, मैं आपको भी सिखाता हूँ। अरे नहीं भाई, ये सब मुझे नहीं जमेगा। तुझे ये नहीं जमता, इसीलिए तो तेरी कमर पे ये चर्बी का थोर जम गया है। अच्छा चल अभी ये बता, बहू को बराबर स्टेशन छोड़ा है ना? अरे हाँ। हाँ ऐसा क्यों बोल रहे? अरे क्या बताऊं बापूजी, जैसे दया ट्रेन के डिब्बे में बैठी और मैं उसकी सीट के नीचे उसका सामान रखने लगा कि वो जोर जोर से रोने लगे। मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। अरे तो डिब्बे में जितने लोग थे सब मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं दया को किडनैप करके लाया हूँ। फिर क्या, वो लोग मेरी धुलाई करने का प्लान बना ही रहे थे कि दया ने उन सबको समझाया कि ये मेरे पति है और उनको छोड़ के जाने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। अब एक्चुअली पापा, मम्मी हमें कभी छोड़ के गई नहीं ना, इसलिए उन्हें दुख होता है। हाँ वो तो है, अहमदाबाद सिर्फ बहू का शरीर गया है, मन तो उसका यही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, जाने की जरूरत ही क्या थी? सहेली के मामा की बेटी की शादी, अरे सहेली की शादी है तो बात समझ में आती है कि जाना चाहिए, लेकिन सहेली के मामा की बेटी की शादी में कौन जाता है? इतना दूर का रिश्ता निभाने का वेवला वेड़ा दया ही कर सकती। बहू एकदम सही कर रही है, आज के जमाने में रिश्ते ही निभाने की जरूरत है, क्योंकि रिश्तों से ही समाज बनता है। समाज बनाकर रखना है तो इन रिश्तों को निभाना बहुत जरूरी है जेठिया। तो जब से ये मोबाइल आया है करीब के लोग भी दूर होने लगे। मैं कहाँ आपसे दूर हो गया हूँ बापूजी? अरे तेरी बात नहीं कर रहा हूँ जेठिया, आजकल जो घर घर में हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। अभी सबके घर की पंचायत हम क्यों करें? क्या क्या बोला, क्या पंचांग? क्या पंचांग? वो आजकल पंचांग बदल गया है ना, इसलिए सब लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। पंचांग का मोबाइल से क्या लेना है? मतलब वो ग्रह ग्रह दशा बदल गई है ना ऊपर आकाश में, तो उसका असर सबके दिमाग पर पड़ गया है, इसलिए अरे दादाजी पापा, हम ये डांस की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं और अब बात को कहां ले गए? अच्छा पापा एक डांस तो बनता है, एक 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 स्टेप। चलिए दादाजी। अरे नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, मैंने बोला ना मुझे नहीं जमा गया सब, ले नाचने हवे बच्चे का दिल रखने। कल कल बापू जी, आज मैं भी बहुत थक गया हूँ। जब से ये सुविधाएं बढ़ी है लोगों की थकान भी बढ़ गई। अरे पहले तो हम रोज सुबह 4 बजे उठ के काम पे लग जाते थे, कड़ी धूप में पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी थकान नहीं महसूस होती। लोगों को एक बात समझने की खास जरूरत है,
जी आराम हराम है। पापा हम भी कल से सुबह 4 बजे उठ जाएंगे। अरे 4 बजे उठ के क्या घर घर अखबार डालने जाना है? आपकी बात बरोबर है बापू जी की आराम हराम है, लेकिन क्या आजकल तो डॉक्टर लोग भी बोलते हैं क्या के स्वस्थ रहने के लिए जितनी कसरत जरूरी है उतना ही पूर्ता आराम करना भी जरूरी है। ये पूर्ती पूर्ता आराम करने के लिए पहले पूर्ती कसरत तो कर, अलग से कसरत करने की जरूरत ही नहीं है ना बापूजी, क्या पूरा दिन वो काम के भाग दौड़ में कसरत हो जाती है। तू रहने दे भाई, जाके सो जा। थैंक यू बापू जी। अच्छा पापा मम्मी तो अहमदाबाद गई है तो कल से खाने पीने का क्या सीन है? बेटा बोल क्या खाना है, सब मिलेगा। अच्छा क्या क्या मिलेगा? सब, जैसे थेपला खाखरा सेव ममरा शक्कर पारा चक्री कढ़ी खिचड़ी मलाई कोफ्ता जो खाना है सब मिलेगा। ये सब तू बनाएगा? नहीं नहीं, वो थेपला खाखरा सेव ममरा वगैरह तो दया रख के गई है और बाकी सब होटल से मंगा लेंगे। और अगर होटल का नहीं जमा तो हमारी सोसाइटी में सब तरह के पड़ोसी है, बंगाली पंजाबी मराठी दक्षिणी है? जो खाना चाहिए सोसाइटी में ही मिल जाएगा। हाँ, वो तो है। तो बेटा जो चाहिए बिंदास बोलना सब मिल जाएगा। हाँ चलो अभी जरा सो जाए। हाँ ठीक है भाई, ठीक है चल बुढ़ा अभी प्रैक्टिस कल करेंगे, अभी सो जाते हैं। हाँ ठीक है, शुभ रात्रि बापू। हाँ बाय पापा, गुड नाइट। हाँ ओके शुभ रात्रि। सब चैन की नींद सो रहे हैं, पेट भरा हो दिमाग पर कोई टेंशन ना हो तो नींद भी बढ़िया आती है। ऊपर से गोकुलधाम के निवासी हमेशा हंसते हंसाते रहते हैं, इनको तो टेंशन देना पड़ेगा तभी मजा आएगा, धूम मचेगी। गोकुलधाम सोसाइटी मिनी इंडिया है मिनी इंडिया। जिस तरह यह हंसी का फूल खिलता है ना तो खुशबू सारे देश में फैलती है, उसी तरह यार टेंशन दूंगा ना वो भी सारे देश में फैलेगा। देखिए अब सहानुभूति हमें बहुत है आपके बेटे के लिए, वो फेल हुआ है तो, लेकिन आप भिड़े से इस तरह से पैसे वापस नहीं मांग सकते, ये तो सरासर सरासर क्या दादागिरी। हाँ है सरासर दादागिरी है मेरी तो। ऐसे अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या करेगा तू? हाँ क्या करेगा? मैं वो मेरे अखबार में फोटो छापेगा। हाँ खबर छापेगा। चल ले फोटो ले, वो इतने के साथ छाप और नीचे लिख मंगूताई मच्छी वाली। अगर मेरे बारे में अखबार में तूने छापा तो फिर मैं भी देखेगी कि तेरा शादी का कार्ड। मम्मी मंगूताई आप महान है, आपने अपने बेटे के लिए जो क्रांति की है उसके लिए आपका सम्मान है, लेकिन हिंसा मत कीजिए। ये कोतिया कोयते को हटा दीजिए। हाँ हटा दिया ना मैं, पहले इसको बोल मास्टर को मेरे 5 लाख वापस देने के लिए बोल। लेकिन 5 लाख रुपए मैं कहाँ से दूँ? अरे चोरी कर डाका डाल उधारी कर, मेरे को क्या पूछ रहा है? वहीं से भी ला, पर मेरे को मेरे 5 लाख चाहिए, मतलब चाहिए। मास्टर मैं 3 बजे वापस आएगी यहाँ गोटिया के साथ, तब वो पैसा तुझे गोटिया के हाथ में रखना है, समझा? अब्दुल
सुखड़ा बोमबिल क्या होता है? सूखी मच्छी। मुझे सूखी मच्छी बोल के गई। भिड़े, मेरे भाई सब ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल चिंता मत करना। मास्टर, उसका बेटा फेल हुआ है ना, इसलिए वो गुस्से में है, सदमा लगा है उसे, सब ठीक हो जाएगा। अरे उसकी हिल गई है, बोलिए ना सीधा सीधा। मास्टर अभी चुप, आप चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं। और ये मंगूताई देखो, किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट मेहनत नहीं करे तो उसमें शिक्षक की क्या गलती? गलती इस आत्मारा मास्टर की है, इसने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। मेरा गोटिया दाव भी पास हो जाए, इसके लिए मैंने उसको तेरे पास भेजा था। हमारे धंधे का ये उसूल है, काम नहीं हुआ पैसा वापस। अगर तू गोटिया को मुफ्त में पढ़ाता तो मैं पैसे मांगने आती नहीं ना आज। तो ये 5 लाख तू मुझे वापस करेगा। बस 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 बगुताई बस। आहो काय झालं? माधवी, मंगूताई की बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है, और निकलेगी भी कैसे? वो बिल्कुल सही कह रही है, गोटे के फेल होने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। वो किस हिसाब से आपकी जिम्मेदारी हुई? उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है इसलिए वो फेल हुआ, वो कमजोर स्टूडेंट है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? माधवी और कुछ नहीं, लेकिन मैं ज्यादा कोशिश तो कर सकता था ना, मैं उसके एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकता था, ज्यादा पढ़ाई करवा सकता था, उसके घर जाके उसकी रिविजन करवा सकता था। लेकिन मेरी गलती ये हुई माधवी कि मैंने भी कहीं ना कहीं सोच लिया था कि गोटिया सीरियस हो जाएगा पढ़ाई के बारे में, उसको अकल आ जाएगी, वो मेहनत कर लेगा। और मंगूताई ने बिल्कुल सही कहा था माधवी कि विद्यार्थी को पढ़ाने के बाद उसके दिमाग में कुछ गया है कि नहीं गया है, ये देखने की जिम्मेदारी एक शिक्षक की ही होती है। देखिए, आपको जितना करना था आपने सब किया, और उसके लिए आपने आपकी फीस ली है, तो आपकी फीस कोई वापस थोड़ी मांग सकता है? मांग सकता है माधवी, बिल्कुल मांग सकता है। शिक्षक सिर्फ फीस के लिए पढ़ाने लगे तो फिर मंगूताई जैसे लोग बोलेंगे ही ना, शिक्षण धंधा ही है। सच्चा शिक्षक वही होता है माधवी जो फीस के बारे में नहीं बल्कि विद्यार्थी और उसके पढ़ाई के बारे में सोचे। ये आपके जमाने के सिद्धांत इस जमाने में काम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि गुरु द्रोण जैसे शिक्षक तभी होंगे जब एकलव्य जैसे विद्यार्थी होंगे। एकलव्य ने अपने गुरु के लिए अंगूठा काट दिया था, लेकिन आपके गोटे ने आपको सिर्फ अंगूठा दिखाया है। हमेशा मोबाइल में ध्यान रखना, होमवर्क ठीक से करना नहीं, ट्यूशन पे गुटली मारना। माधवी मुझे पता है, लेकिन अच्छे बुरे हर विद्यार्थी की जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है। शिक्षक को गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षक महान होता है, शिक्षक विद्यार्थी का दोस्त होता है, मार्गदर्शक होता है, शुभचिंतक होता है। शिक्षक विद्या का आदान प्रदान करता है माधवी, उसका धंधा नहीं करता। अगर मैं सच्चा शिक्षक हूं तो गोटिया के फेल होने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। और इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं मंगूताई को 5 लाख रुपए दूंगा। आप क्या कह रहे हैं? माधवी, मैंने तय कर लिया मतलब मैंने तय कर लिया, मैं मंगूताई को 5 लाख रुपए दूंगा। अहो, क्या कर रहे हैं आप? अहो, ये गहने लेकर कहां जा रहे हैं आप? माधवी, इन गहनों को गिरवी रखकर मैं पैसों का इंतजाम करूंगा, पर हाँ, इसके बारे में किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। लेकिन सोने के गहने? माधवी, सिद्धांतों के आगे सोने के गहनों का कोई मोल नहीं है। आता हूँ। कहाँ चल रही है ना? कहाँ जाऊँ? हाँ, इस वक्त एक ही आदमी मेरी मदद कर सकता है, जेठालाल। हे गणपति बाप्पा, पता नहीं ये क्या करने बैठे हैं। एक विद्यार्थी अगर ठीक से ना पढ़े तो उसमें शिक्षक का क्या दोष है? ये विघ्नहर्ता, सब ठीक कर देना। जेठालाल। अरे भिड़े, क्या बात है, अचानक यहाँ? हाँ वो। अरे एक मिनट, पहले बैठ बैठ, ले कुर्सी ले ले। हाँ क्या बात है भाई।
बैठ बैठ बैठ। हाँ क्या पिएगा, क्या मंगाओ बोल, चाय कॉफी? फालूदा मंगाओ, फालूदा बहुत बढ़िया आता है। नहीं जेठा कुछ नहीं चाहिए। देख भाई इधर कुछ नहीं तो मिलता ही नहीं है। नहीं नहीं जेठा, लेकिन सीरियसली कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं। नहीं चल, वैसे आ गया एसएससी का रिजल्ट? हाँ आ गया। तो जेठालाल मैं एक बहुत जरूरी काम से तुम्हारे पास आया। हाँ बोल बोल। दरअसल मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। हाँ बोलना कितना चाहिए? वो अरे इतना हिचकिचा क्या रहा है, बोलना भाई कितना चाहिए? पाँच। पाँच हजार? यार तू भी भला मानस, कमल का आदमी है, 5,000 के लिए यहाँ तक धक्का खाया। फोन किया होता तो वहीं घर से बाबू जी से दिलवा देता। 5,000 नहीं जेठालाल, मुझे 5,00,000 रुपए चाहिए। 5,00,000? जेठालाल मुझे अभी के अभी 5,00,000 की सख्त जरूरत है। 5,00,000 सब ठीक है ना? वो बात ये कि जो भी है साफ साफ बता, अचानक 5,00,000 की जरूरत क्यों आनी पड़ी? देखो जेठालाल मुझे पैसे किस लिए चाहिए वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मुझे अर्जेंट 5,00,000 की जरूरत है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? हाँ हाँ जरूर। चेक चलेगा? चेक एक मिनट। ए आत्मारा मास्टर, तू कुछ बोले उसके पहले मैं बोल देती हूँ। देख मैंने एक बार जो बोल दिया तो बोल दिया, वो बात फाइनल। मैं 3 बजे वापस आएगी पैसा लेने के लिए, समझाना? रेडी रख पैसा। हाँ हाँ समझ गया मैं। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया आपसे कि आपको चेक चलेगा ना? पास हो जाएगा ना तेरा चेक, क्या मेरे गोटिया की तरह वो भी फेल हो जाएगा? नहीं नहीं ऐसा कहा बोलता है, हो जाएगा पास। चलेगा चलेगा। अच्छा चल मैं फोन रखती है, 3 बजे आती हूँ चेक लेने के लिए, रेडी रख। हाँ ठीक है ओके। हाँ जेठालाल चेक चलेगा। चलेगा ना? हाँ ठीक। वो मेरा नाम मत लिखना। तो मतलब तुम नाम मत लिखना, ब्लैंक छोड़ देना, बाद में लिख लूंगा मैं। ठीक। थैंक यू वेरी मच जेठालाल। थैंक यू। गाली दे रहे? थैंक यू बोला ना तो अभी कभी ये चेक का स्टॉप पेमेंट करवा दूंगा। नहीं नहीं, नहीं। अरे हम गोकुलधाम निवासी है भाई, एक दूसरे की तकलीफ में एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। थैंक यू कसला? सॉरी सॉरी थैंक यू। अरे परत आई मीन जेठालाल मैं जानता था कि बिना कोई सवाल किए एक तुम ही मुझे 5,00,000 की मदद कर सकते हो। चलो चलता। ओके हाँ। अरे हाँ ये तुम्हारे लिए। अरे वाह क्या है इसमें? मेरे जाने के बाद ही खोलना प्लीज। माधवी भाभी ने क्या भाकर वड़ी चिवड़ा ऐसा कुछ भेजा है? जो भी है तुम्हारे लिए है, लेकिन प्लीज मेरे जाने के बाद ही खोलना। अच्छा अभी खोलूंगा तो तुमको भी खाने का मन हो जाएगा है ना? नहीं भाई मेरे लिए, मैं अकेला खाऊंगा, तुमको नहीं दूंगा। ठीक है चलता हूँ। One second, thank you. अरे परत और ही सॉरी सॉरी। ओके अनोटुका का चेक साइन हो गया, अब ले जाओ। तो किस लिए फोन किया? फोन आ रहा है मिलने? भीड़े? अरे क्या चाय कॉफी फालूदा क्या भेजू? भीड़े आके मुझे मिलके बातचीत करके चला भी गया, अभी आप मुझे फोन कर रहे हैं? भाई काम में बिजी होना बराबर है, लेकिन एक फोन करने में कितना टाइम लगता है? अभी क्या चाय कॉफी भेज के बोला ना, भीड़े चला गया। तो ना काम करो मेरे लिए चाय भेजो, इधर कुछ नाश्ता है चाय के साथ में खाऊंगा। हाँ ओके। हाँ 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 क्या है? कपड़े में नाश्ता? ओह ये भीड़े 5,00,000 के बदले गहने छोड़ के गया, अरे पागल है क्या ये आदमी? ये भीड़े जिद्दी, अभी फोन भी नहीं उठाएगा। माधवी भाभी को करता हूँ। हे
हेलो। हाँ माधुरी भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। ये भीड़े को क्या हो गया, कोई तकलीफ में? क्यों, क्या हुआ? ये आपके पास आए थे? हाँ, वो अभी आया था यहाँ पे, मुझसे 5 लाख का चेक ले गया और सामने चुपके से आपके गहने छोड़ के चला गया। क्या हुआ माधुरी भाभी, अचानक 5 लाख की जरूरत कैसे पड़ी? वो जेठा भाई, हुआ यूं के अरे तो अजीब मांगनी है, पर चलो माना कि उन्होंने तो जब मन में आया मांग लिया, लेकिन भीड़े देने को तैयार कैसे हो गया? बघा ना जेठा भाई, ये कह रहे हैं कि मैं अपने आदर्शों को नहीं छोड़ सकता, मान ही नहीं रहे हैं, बहुत सिद्धांतवादी है। मैंने माधुरी भाभी, सिद्धांत की बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो मांगनी कर रही है 5 लाख की, वो तो बिल्कुल गलत है ना? तेज ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे उनको समझाऊँ। माधुरी भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी के अभी मेहता साहब और सोडी को लेके वहाँ आपके घर पे पहुँचता हूँ, हम सब मिलके भीड़े को समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच जेठा भाई। नहीं नहीं, थैंक यू क्या माधुरी भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम लोग पहुँच रहे थोड़ी देर में। ओके। भीड़े भीड़े, मेहता साहब और सोडी को कॉन्फ्रेंस कॉल लगाता हूँ। हाँ जेठाप्रा बोलो। हाँ सोडी, मेहता साहब भी लाइन पे है। क्यों हो गया जेठाप्रा? अरे भाई, हमको अभी कभी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचना होगा, वो भीड़ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। क्यों मुसीबत में फंस गया? कैसी मुसीबत? अरे भाई, हुआ यूं के वो हो, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर समस्या जेठा। अपने स्टूडेंट के फेल होने की वजह से वैसे ही टेंशन में होगा भिड़े, और बहुत गिल्टी फील कर रहा होगा। अरे ऐसे गिल्टी फील करते हुए कहीं वो 5 लाख रुपया ना दे दे, आखिर उसकी मेहनत की कमाई है। इसीलिए हमें जल्द से जल्द सोसाइटी जाना होगा और उसे पैसे देने से रोकना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने पिड़ू को 5 लाख रुपए का फटका नहीं पड़ने देंगे। जेठाप्रा, तुम दुकान से बाहर निकलो। मेहता साहब, आप ऑफिस से बाहर निकलो। मैं अभी के अभी अपनी गड्डी लेके आ रहा हूँ और पहुँचते हैं सीधे गोकुलधाम। ओके, चलो चलो, ठीक है। हम अपने पिड़ू को इस मुश्किल से छुड़ा कर ही रहेंगे। बिल्कुल। बोले आप ये क्या कर रहे हो? पैसों का बंदोबस्त हो गया है, अब ये मत पूछना कि कहां से हुआ है, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा। इंसान अगर अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर ले तो इंसान कुछ भी नहीं। तुम चिंता मत करो, गणपति बापा सब ठीक कर देंगे। जेठालाल, मैं तो सब छोड़ी, आप तो काम इतना काम तो ला भक्तों में कहते कहते कहे ये कहे हमको सब पता चल गया। कैसे? वो कैसे भी पता चले तेनू की, पहले ऐ दस कि तू सानू दसिया क्यों नहीं? अरे सोड़ी, सारी बातें यही खड़े होके करेंगे क्या? चलो ना भाई, ऊपर बात करते हैं। चलो हाँ चलो। क्या हुआ, ये दुकान से जल्दी क्यों आ गए? पप्पू जी, भीड़े बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो सुबह हमको मिला तभी नहीं, वो उसका एक विद्यार्थी गोटिया के रिजल्ट का टेंशन में था। हाँ, वो गोटिया फेल हो गया। अरे हाँ, और उसकी माँ है मंगूताई मच्छी वाली, वो उससे पैसे वापस मांग रही है, 5 लाख रुपया। हाँ। 5 लाख? पिंडी मास्टर 5 लाख लेता है फीस? नहीं, लेकिन उसकी माँ कह रही है कि आज तक उसने अपने बेटे की पढ़ाई पे जितना भी खर्चा किया है वो सब भीड़े देगा। ऐसा थोड़ी होता है। वही तो, लेकिन हमारे सिद्धांतवादी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी पैसा देने को राजी हो गए। अरे नहीं नहीं, ये तो गलत है, तो हम उसे एक भी पैसा देने नहीं देंगे। Exactly, चाचा जी, हम उसे यही समझाने जा रहे थे, आप भी चलिए साथ में। हाँ, चलो चलो। भिड़े काय काय मंजे काय मला काय समझले ना काय तूने? माधुरी भाभी के गने चुपचाप ऐसे छोड़ के चला गया, ये बहुत गलत बात है बेटा, तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे शांत हो जाओ, चुप हो जाओ।
आप लोग सब बैठिए ना। पहले माधवी भाभी आप इसे संभाल कर रख दीजिए प्लीज। जेठालाल लेकिन तू तो कुछ बोलना ही नहीं, तो बैठ जाओ जा चुपचाप। चलो बैठो बैठ। देखो भाई बेड़े, हम सब तुम्हें समझाने आए हैं कि माना कि तुम्हारा विद्यार्थी गोटिया फेल हुआ है, लेकिन ये परिणाम की लापरवाही नहीं है, ये लापरवाही का परिणाम है, उसकी लापरवाही। तो उसके लिए तुम्हें पैसे वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। रख गया मैं था साहब, ओए कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, और 5 लाख रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है कि ऐसे ही बांटते रहो। और नहीं तो क्या, ये मंगोताई की तो दादागिरी है, वो कुछ भी उठपटक मांग किया जा रही है और तू मान रहा है। जेठालाल बात मानने या ना मानने की नहीं है, अगर विद्यार्थी फेल होता है तो उसकी जिम्मेदारी शिक्षक की ही होती है। अरे भाई, शिक्षक की जिम्मेदारी होती है अच्छे से विद्यार्थी को पढ़ाने की, वो जवाबदारी तूने बहुत अच्छे तरीके से पूरी की। ओ पिड़ो, तूने दिल लगा के उसको अच्छे ढंग से पढ़ाया ना, बस बात खत्म। उसको भी पढ़ाई पे मेहनत करनी चाहिए कि नहीं? तेईस घंटे में उसके बदले आप तो पेपर लिखने नहीं जा सकते थे ना। बराबर है, वो जो भी हो माधवी, दरअसल गोटा फेल नहीं हुआ है, मैं फेल हुआ हूँ। मैं मंगूताई को पैसे दे दूंगा। अरे पर क्यों वापस दे देगा भाई? अरे मंगूताई की ये मांग ही अवैधानिक है। क्या है? गलत है, गलत है। अच्छा अवैधानिक मतलब गलत। अच्छा क्यों, क्या भड़वा बेची क्यों आवे? शांति बैठने। सॉरी। देख भाई भिड़े, ये सत्ययुग नहीं है। तू ऐसे अपने सिद्धांत को पकड़ के बैठा रहेगा तो कदम कदम के लोग तेरा फायदा उठाएंगे भाई। मैं जानता हूँ जेठालाल ये सत्ययुग नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं अपने आप को बदल सकता हूँ और ना ही अपने सिद्धांतों। मैं जानता हूँ ये मेरी गलती का फल है, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच समझ कर बिना किसी के दबाव में आए हुए कर रहा हूँ। शिक्षक के नाते मुझसे जिम्मेदारी निभाने में चूक हुई, कोटिया फेल हुआ है, इसलिए मुझे उसकी फीस वापस करनी ही चाहिए। समझता है।